गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा और हेल्दी मिल्क शेक किसे पसंद नहीं आता है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने चार अलग अलग तरीके के बिना आइसक्रीम का मिल्क शेक बनाया है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चीकू मिल्क शेक बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है। चीकू का छिलका निकाल के इसे चॉप कर लिया है और इसे फ्रिज में रख के एकदम ठंडा कर लिया है। ये एक कप चीकू है, इसे ब्लेंडर जार में डाल देंगे। दूध को उबाल के ठंडा कर लिया है, फ्रिज में रख के इसे एकदम चिल्ड कर लेना है। ये एक कप दूध है। 1.5 टेबल स्पून चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, 2 से 3 आइस क्यूब, इसे ब्लेंड कर लेंगे। चीकू मिल्क शेक रेडी है, इसे ग्लास में निकाल लेंगे। बारीक चॉप चीकू का पीस किया है, ये ऊपर थोड़ा डालेंगे। पिस्ता की स्लाइस, चॉप काजू। चीकू मिल्क शेक रेडी है, मैंगो मिल्क शेक बनाएंगे। एक कप पका हुआ आम का पीस लिया है, इसे फ्रिज में रख के एकदम ठंडा कर लिया है। दूध को मैंने उबाल के एकदम ठंडा किया है, ये एक कप चिल्ड दूध है। 1 टेबल स्पून चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 3 से 4 आइस क्यूब डालेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो मिल्क शेक रेडी है, ग्लास में निकाल लेंगे। बारीक चॉप किया हुआ आम का पीस ऊपर डालेंगे। पिस्ता की स्लाइस, कटे हुए काजू का पीस। मैंगो मिल्क शेक रेडी है, बनाना मिल्क शेक बनाएंगे। एक कप केले की स्लाइस ली है, 12 से 15 काजू का पीस। दूध को हमने उबाल के एकदम ठंडा कर लिया है, ये एक कप दूध। 1 टेबल स्पून चीनी, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 3 से 4 आइस क्यूब डाल देंगे, ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लिया है, ग्लास में निकाल लेंगे। बारीक चॉप किया हुआ केले का पीस डालेंगे ऊपर। पिस्ता की स्लाइस, कटा हुआ काजू। बनाना मिल्क शेक रेडी है, रोज मिल्क शेक बनाएंगे। दस बादाम का मिक्सर जार में डाल के पाउडर कर लिया है, ये बादाम का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून गुलकंद, रोज सिरप हमने लिया है, इस तरह का रोज सिरप मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1.5 टेबल स्पून रोज सिरप डालेंगे। रोज सिरप आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप रोज सिरप डाल सकते हैं। दूध को उबाल के ठंडा कर लिया है, ये एकदम चिल्ड दूध है, एक कप दूध। रोज सिरप में भी चीनी आती है और गुलकंद में भी चीनी आती है, तो अलग से हमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है, ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लिया है, इसे ग्लास में निकाल लेंगे। ऊपर पिस्ता की स्लाइस डालेंगे, कटे हुए काजू का पीस डालेंगे। रोज मिल्क शेक रेडी है,